मेरे बेटे अकीर की सच्चाई छुपा कर तुमने गलती नहीं गुनाह किया है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नफरत करता हूं मैं तुमसे। हमारे बीच की नफरत की आंच मैं अपने बच्चे पर नहीं आने दूंगी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं माफी, खुद जाऊंगी अपने बच्चे को ढूंढने। अकीर मेरा बेटा है और उसे बचाने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ए रुक! रुक जाओ! अकीर के पापा। गोपाल ने तो कहा कि बड़ी माँ ने मुझे बुलाया है, तो बड़ी माँ तो नहीं है। अंदर जी। मैंने बुलाया। तुमने? प्रियंका, I'm really sorry. मैंने तुम्हें बहुत सुना दिया, मुझे वैसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। I'm really sorry. नहीं नहीं ठीक है, तुम्हें लगा होगा कि मैं तुम्हारी फैमिली को तोड़ना चाहती हूँ। नील, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता है कि ये फैमिली मेरी भी है और कीर्ति हमारे घर की बच्ची है। मैं चाहती हूँ कि कीर्ति खुश रहे, बस बस इतना चाहती हूँ मैं। और केटी सर को तो हम सब ने देखा है ना, किस तरह से 5 सालों से उन्होंने प्रीति आंटी के आने की उम्मीद नहीं छोड़ी। ऐसे में कौन नहीं चाहेगा कि उन्हें उनका प्यार वापस मिले। लेकिन तुम्हें तो बस मुझे ही सुनाना है, मेरे इंटेंशंस पे शक करना है। नहीं प्रियंका, तुम ठीक कह रही हो, मैंने गलत सोचा, मैंने तुम्हारे साथ गलत बिहेव किया, इसीलिए तुम्हें जो सजा देनी है दे दो मुझे। Promise? तो नील, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी उस बच्ची प्रीति को प्रीति आंटी की जिंदगी से निकालने में। हाँ नील, तभी मोही अपनी असली फैमिली यानी इस फैमिली में लौट पाएंगी और हमें हमारी प्रीति वापस मिल जाएगी। नील, तुमने प्रॉमिस किया है। सॉरी, मुझे आपके और आपकी बेटी के बीच में नहीं आना चाहिए था। मैं अभी आपसे नाराज नहीं हूं। बैठ जाओ। फिर क्या बात है? जी, आपको मैंने क्या सोचा था और आप क्या निकले? अब मैंने क्या किया? अब क्या किया? मैंने कहा था ना आपसे, मुझे अपना दोस्त समझिए, सारी बातें मुझसे शेयर कीजिए। लेकिन मैं देख रहा हूं आप ना तो मुझे अपना दोस्त समझती है और ना ही बातें मुझसे शेयर कर रही है। एक बात कहूं, मैं महसूस कर सकता हूं जो आप महसूस करती है जब प्रीति को दर्द होता है। मुझे साफ साफ दिखाई देता है आपकी आंखों में प्रीति का दर्द। मुझे उस केटी के ऑफिस में जॉब लेकर ही सबसे बड़ी गलती की।
जो मैं उसे पहले समझती थी ना, वो बिल्कुल सही समझती थी। एक्चुअली केटी सर ने मुझे सब कुछ बता दिया फोन करके, और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने ये सब नहीं किया है। हाँ, और एक बात तो तय है, केटी सर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, तो ये बात पक्की है कि ये सच में केटी सर ने नहीं किया है। और केटी सर ऐसे पीछे छुप छुप कर वार करने वालों में से नहीं है, वो जो है सामने सामने, मतलब आपको नौकरी से निकाला सबके सामने, मुझे नौकरी से निकाला सामने, उन्हें क्या जरूरत है किसी से डरने की। मैं जानता हूं कि इस वक्त जो दिख रहा है सामने उसके चलते ये यकीन करना मुश्किल है, मतलब जो केडी सर कह रहे हो, लेकिन यकीन मानिए मेरा, मैंने केटी सर के साथ इतने साल काम किया है, केटी सर अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि उनकी बेटी की खुशी के लिए उन्होंने किसी और की बेटी की खुशी छीन ली हो। वो उस टाइप के इंसान नहीं है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, कीर्तन है ना जी, हम दोनों साथ मिलके पता लगाएंगे कि कौन है जिसने आपकी और प्रीति की आंखों में आंसू लाया है। मुझे खुद ही पता लगाना होगा, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कीर्तन जी मुझसे कुछ छुपा रहे। आप प्रीति का नाम प्ले से कैसे निकाल सकती है? आपकी वजह से हम अपने बच्चों को स्कूल में भर्ती करते हैं, और आप कुछ अमीर बिगड़ैल पेरेंट्स की वजह से हमारे बच्चों में भेदभाव कर रही है। कैसे बात कर रही है आप? आपने ये तो एप्लीकेशन भेजी थी कि आपकी बेटी का नाम प्ले में से निकाल दें। प्यून खुद लेकर आया था मेरे पास एप्लीकेशन। एक मिनट। बेनी, ये देखिए। ये एप्लीकेशन मैंने नहीं भेजी, और ये हैंडराइटिंग भी मेरी नहीं है। आपने नहीं भेजी तो फिर किसने भेजी? मैम, आप उस पियून को बुला सकती हैं जिसने ये एप्लीकेशन आपको दी है? हाँ, आप रुकिए, मैं उसे बुलाती हूँ। कौन हो सकता है ये? मेरे नाम की झूठी एप्लीकेशन कौन बनाएगा? मैं जानता हूँ कि तुम केटी की कंपनी में काम कर रहे हो, और वो तो नहायत ही घटिया इंसान है, उसी ने तुम पर जोर डाला होगा, अपनी बेटी को रोल दिलाने के लिए तुम्हें मजबूर किया होगा, इसीलिए एप्लीकेशन देकर तुमने प्रीति का नाम हटवा दिया है ना? विशाल जी, तुम बेटा, मम्मा डू के ऑफिस में नए फ्रेंड्स बन गए, वो अंकल देखे थे ना आपने, अब वो उनके साथ बिजी रहेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, मम्मा वन और मम्मा टू में बहुत फर्क है, अपने हमेशा अपने होते हैं और बाहर वाले हमेशा पराए। बाहर वालों की ज्यादा आदत डाल करना हमेशा दिल को दुखी पहुंचता है, उन पर ध्यान मत दो। ये एप्लीकेशन आपको किसने दी? एक लंबे से कद के साहब आए थे, नाम तो नहीं बताया। कहीं ये तो नहीं थे? हाँ, यही तो थे। थैंक यू। इसका मतलब मेरी प्रीति को रुलाने वाले विशाल जी थे।
बैड हो गई हैं, वो मुझ पे चीट करने लग गई हैं, उन्हें मेरी परवाह नहीं, वो अपने नए दोस्तों को ही टाइम देंगी, मुझ पे ध्यान नहीं देंगी, वो सुपर मॉम से बैड मॉम बन जाएंगी। बेटा आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आपके पापा तो हमेशा आपके साथ है ना, हमेशा। ये लो खाने को। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।